निशा डिजाइनर चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल वाले बटन को दबाएं और सब्सक्राइब करें और हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, निशा डिजाइनर चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं कोटी कटिंग बताऊंगी आपको, ड्राफ्टिंग करके भी कटिंग करके कपड़े पे। ये देखिए, जिसके लिए मैंने ये नाप लिया है। छाती है 43, कमर है 38, लंबाई 16 रखूंगी, इसका मुड्डा 7 है, तीरा भी 7 रखूंगी। चलिए अब शुरू कर देते हैं हम इसका। ये कोटी के लिए ये मैंने फैब्रिक लिया है। अभी इसके कपड़ा बचा हुआ अस्तर का, उसमें मैं कटिंग करके दिखाऊंगी। पहले इसी पे मैं कटिंग करती हूँ। स्टाइल कपड़ा निकाल के इसके बाद में लेके तीरा यहां से भी कपड़ा एक्स्ट्रा निकालूंगी। तीरा 7, मुड्डा भी 7 रखूंगी इसका। इसका मुड्डा थोड़ा ज्यादा लेते हैं कोटी का, इसलिए मैंने 7 लिया है। और छाती इसकी लूंगी 43 है, तो 11.5 ले लेती हूँ मैं, लूजिंग भी थोड़ी सी ले लूंगी। थोड़ा लूजिंग किया मैंने, 4 करना है। किसी भी अगर आप नाप ले रहे हो तो उसका 4 ही करना होता है, हमें 4 लिया है। और इसकी जैकेट की लंबाई है 16 इंची, यहाँ मैं वो करूँगी। उसके बाद मैं 1 इंची एक्स्ट्रा रखूँगी 17 सिम के लिए। इसकी कमर है 38, तो 9.5 लूंगी। और यहां से मार्जिन लूंगी 1.5 इंची, ज्यादा नहीं लूंगी। अब यहाँ से मैं गला रखूंगी इसका 4 इंची के करीब में, ब्रॉड इसकी चौड़ाई। और इसकी लंबाई लूंगी मैं 11, यहाँ से गले की लेंथ है। उसके बाद में यहाँ से इस कोने से जो मार्जिन है, यहाँ से 3.5 अंदर आके और इसकी राउंड शेप दूंगी, यहाँ पे मिलाऊंगी ऐसे, तो पूरा यहाँ मिला दूंगी। और इसको मैं यहाँ से वी शेप दूंगी, यहाँ से 1 इंची अंदर आके और फिर से वी शेप दूंगी इसकी। और मुड्डे की गोलाई भी यहाँ से फिर से देख ले आप, यहाँ से मैं 4 इंची अंदर आके और इसकी मैंने गोलाई दी ये वाली शेप। उसके बाद में अब यहाँ से भी 1-1 इंची इसकी सिम के लिए गोलाई में ले लूंगी मैं। और यहाँ से भी ऐसे अंदर आके इसकी 0.5 इंची इसकी भी मार्जिन लूंगी मैं सिलाई के लिए। और इसके भी मुड्डे में भी हल्का सा मार्जिन लूंगी मैं सिलाई के लिए। अब इसकी कटिंग करती हूँ। बैक का हिस्सा काट के, देखिए हम बैक हिस्सा कटिंग कर रहे हैं, तो इस पे ऐसे रख के केवल हमने निशान लगाना है यहाँ पे। एकदम सीधा निशान लगाना है। इसमें मार्जिन है तो इसमें भी मार्जिन लिया है और यहाँ पर भी एक निशान देना है। और इसके कोटे की हल्के से बाहर शेप रखनी है गोलाई में।
यहाँ पर एक सीधा निशान लगाएंगे, उसके बाद इसको उठा करके इंची टेप से यहाँ पे 4 इंची रखेंगे क्रॉट इसकी, और इसकी गोलाई भी रखेंगे 2.5 इंची, और इसको शेप दे देंगे। मैंने आस्तर के लिए मैंने फिर से यही कपड़ा लिया है, तो इस पे फिर से रख के एक और कटिंग कर लेते हैं डबल। इसको यहाँ रख लेते हैं और बैक इस वजह से निकाल लेंगे। बैक के लिए भी हमने एक और पीस काट लेते डबल में इसको। अगर ये कोटी की कटिंग और ये अच्छी लगे हमारी वीडियो, तो हमें सब्सक्राइब एंड लाइक और शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद।